1816 में पहली बार ये बीमारी डिस्क्राइब हुई थी जब किसी बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ और उसके दिल में ऐसा आउटपोचिंग मिला जो फटा हुआ था, जिससे बच्चे की मौत हुई थी। हर बच्चे का जिंदगी में एक बार एको टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत सस्ता है, इतनी सस्ती जान जिससे कि ऐसी कॉम्प्लेक्स मौत वाली बीमारी पकड़ी जा सकती है। हर बच्चे का एक एको होना चाहिए। पहले लोग इलाज के लिए अमेरिका यूरोप जाते थे, आज हमारे पास वो मशीनें, वो डॉक्टर्स, वो सारा सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम हर बीमारी का जो वेस्ट में इलाज नहीं हो रहा है वो आज यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे 40% बच्चे पहले 3 महीने में अपने आप नेचुरली अबॉर्ट हो जाते हैं, जो किसी को पता ही नहीं चलता। और इस तरह के बच्चे भी जब जन्म में, क्योंकि आजकल है कि हम फीटल एको से जन्म से पहले ये बीमारी पता कर पा रहे हैं, तो ये उन बीमारियों में से एक है जो पहले पता ही नहीं चलती थी। ये आज की मॉडर्न साइंस है और आज की फीटल एको करने की कैपेबिलिटी से ही जन्म से पहले पता चला तो तैयारी थी। हरियाणा के गुरुग्राम के प्रमुख पारस हेल्थ ने 1 महीने के बच्चे में एक दुर्लभ जन्मजात दिल के बीमारी का निदान और सफल इलाज करके मेडिकल साइंस की दुनिया में एक उपलब्धि हासिल की है, जिससे यह इस दुनिया में अपनी तरह का सबसे कम उम्र का मामला बन गया है। बच्चों को जन्मजात एलवी एपिकल एन्यूरिज्म था, ऐसी हालत में जहां दिल के बाएं वेंट्रिकल के ऊपरी हिस्से की जगह फाइब्रस टिश्यू आ जाते हैं, जिससे यह पतला और कमज़ोर हो जाता है और सहज रैप्चर आने का खतरा होता है। यह हालत असाधारण रूप से दुर्लभ है और 1816 के बाद से दुनिया भर में इसके केवल 809 मामले दर्ज किए गए हैं। जन्मजात एलवी एपिक्रल एन्यूरिज्म के कारण दिल को काफ़ी गंभीर संरचना पूर्वक और काव्यात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फाइब्रस टिश्यू सामान्य प्रेस्कुलर टिश्यू की जगह ले लेते हैं। यह हालत जन्म किया है। अभी तक जितना लिटरेचर हम सर्च कर चुके हैं तो उसमें हमें ये जानकारी मिली कि इतना यंग बेबी कभी भी दुनिया में ऑपरेट नहीं हुआ है, तो ये चीज हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। तो हमारी टीम मीटिंग हुई इस बच्चे के लिए और हमने हर एक एंगल से इसके लिए प्री प्लान प्री प्रिपेयर्ड रहे। के बाद कई सालों तक अनजान बनी रह सकती है और इस कारण से अचानक दिल से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस उपलब्धि पर चर्चा करते हुए पारस हेल्थ में पीडियाट्रिक और एडल्ट कार्डियोथोरिक वैस्कुलर सर्जरी के प्रमुख और HOD डॉक्टर महेश वाधवानी ने टिप्पणी की, ऐसे जटिल मामले में इतने छोटे बच्चे का सफल इलाज करना न केवल पारस हेल्थ के लिए बल्कि दुनिया के मेडिकल साइंस के कम्युनिटी के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम में पीडियाट्रिक और फीटल कार्डियोलॉजी के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर दीपक ठाकुर ने कहा, जन्मजात हृदय दोष दिल की संरचना पर प्रकाश और असर डालते हैं और आमतौर पर जन्म के समय या उससे पहले ही इनका पता चलता है। इस असाधारण मामले में 26 हफ्ते की गर्भावस्था में फीटल इकोकार्डियोग्राफी के दौरान इस हालत का निदान हुआ। सर्जरी तब की गई जब बच्चा 1 महीने का था और उसका वजन 3 से 4 किलोग्राम के बीच था। डॉक्टर्स ने सख्ती से दिल को मॉनिटर करने की योजना बनाई और ऑपरेशन से पहले बच्चे को यथासंभव बड़ा होने दिया, जिससे दिल को मांसपेशियां विकसित हो सके। पारस हेल्थ गुरुग्राम में सलाहकार कंजेटिनल नियोनेटल एवं पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन डॉक्टर श्यामवीर सिंह खगारोल ने किसी बच्चे में इस दुर्लभ स्थिति के इलाज के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों पर कहा, नवजात और शिशु की कार्डियक सर्जरी स्वाभाविक रूप से जटिल होती है, हालांकि इस बीमारी की दुर्बलता और जटिलता ने इस काम को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया, चूँकि इसमें दिल का बायां हिस्सा शामिल था जिससे जटिलता और बढ़ गई। इलाज के बाद की देखभाल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पारस हेल्थ गुरुग्राम के डॉक्टर आलोक साहू कार्डियक एनेस्थेटिस्ट ने कहा, सर्जरी के बाद भी हमने बच्चे को निरंतर मॉनिटर करते हुए हीमोडायनास्टिमिक्स रेस्पिरेटरी फंक्शंस और पोषण की केयर की।
ऑपरेशन के बाद बच्चे को 36 घंटे तक वेंटिलेशन में रखा गया, जिसके बाद एक हफ्ते के भीतर बच्चे को छुट्टी दे दी गई। जन्मजात हृदय रोग आमतौर पर शिशुओं में और बच्चों को प्रभावित करते हैं, जहां हर 100 में से लगभग 10 बच्चे इन रोगों से प्रभावित होते हैं। कुतुब मेल के लिए योगेश भाट, मदर, आपका क्या एक्सपीरियंस है बच्चे के साथ? नॉर्मल है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेबी को ठीक है, अच्छे से फील ले रही है। जब ऑपरेशन हुआ था तभी थोड़ा सा डर लगा था, वैसे कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दवाई वाई इसकी चल रही है अभी? नहीं, वैसे कोई नहीं चल रही है। जो मतलब नॉर्मल बच्चों को भी होते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत हो जाता है कि कोल्ड वगैरह, वैसे कोई हर्ट की मेडिसिन कोई नहीं चल। जब आपको डॉक्टर ने बताया कि ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं, तब आपका रिएक्शन कैसा था? पहला रिएक्शन ये सब चीज़ इतने छोटे बच्चे में और अभी से घबरा तो जाते ही हैं, थोड़ा डर के थे। बट सर ने अच्छे से समझाया, बोला कि हो जाएगा सर, उन पर विश्वास किया। बहुत केयर करने पड़ेगी इसकी, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं डॉक्टर की एडवाइस बराबर आपको मिल रही है? जी हाँ, एडवाइस मिलती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं सर से कॉन्टैक्ट भी करती हूँ, वो तुरंत रिप्लाई भी करते हैं। अगर कभी लगता भी है कि हाँ बच्चा अनकम्फर्टेबल हो रहा है तो उसके बारे में भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे पाँच डॉक्टर के, पाँच अपने डॉक्टरों के बारे में? मैं थैंक्स ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।